हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ड्रीम किचन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चीज़ी चिकन क्रेप की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो एक होलसम स्नैक है, क्योंकि इसमें चीज़ और चिकन के साथ साथ ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं और अंडा भी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन की जगह इसमें पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, इसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में या किसी पार्टी में स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए चिकन क्रिप्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश करके उसका पानी ड्रेन कर दिया है। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसमें मैंने 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसे अच्छे से भूनकर मैं उसमें चिकन का कीमा डाल दूंगी और उसे अच्छे से चलाऊंगी। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पर इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और ये देखिए, चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसको चलाते रहना है और भून लेना है। और ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 2 ग्रीन चिलीज डाली हैं फाइन चॉप करके, और नमक और मिर्च डालने के बाद भी इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि कीमा है ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी में गल जाएगा। तीन मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो कीमा अच्छी तरह गल चुका था और इसका पानी भी सूख चुका था। ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके इसको चलाया, भून लिया, और उसके बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स करूँगी। वेजिटेबल्स में मैंने 1 छोटे साइज़ की कैप्सिकम, 1 छोटी गाजर और 1 छोटी प्याज ली है और उसे फाइन चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स हमें छोटे साइज़ में काटनी है, कीमे के ही साइज़ में काटनी है, नहीं तो वो अलग हो जाएगी, कीमे के साथ जुड़ेगी नहीं। और ये सारी वेजिटेबल्स डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालूंगी और 1 टीस्पून ओरिगैनो डाला है मैंने, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें टोमेटो केचप डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि हमें वेजिटेबल्स कीमा गलने के बाद मिलानी है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इनके क्रंच को ख़त्म नहीं होने देना है। और ये देखिए, मैंने सारी वेजिटेबल्स, कीमा, सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और क्रेप्स की फिलिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब आइए हम क्रेप्स बनाने की तरफ चलते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1/2 कप मैदा लिया और 1/2 कप दूध लेना है। मैदा और दूध का रेशियो हमें बराबर रखना है। अब ये देखिए, मैदे को मैं दूध में घोल लूँगी। इस मैदे का हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। दूध को हम सब एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और ये देखिए, इस तरह सारा दूध मैंने मैदे में मिला दिया है। और 2 अंडे इसमें ऐड करना है। बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है ये। 2 अंडे डाल दिए मैंने इसमें। 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी और 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर इसमें ऐड किए मैंने, और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं। ये देखिए, डाल दिया मैंने। और अब इसको एक विस्क की मदद से बहुत अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेना है। इसको कम से कम 5-6 मिनट तक आप लगातार इसी तरह से फेंटें। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी चेक की तो मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा, तो 1/2 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और एक रनी सा बैटर तैयार करना है हमको। अब मैं फिर इसको एक बार फेंट लूँगी अच्छे से। अगर आपके बैटर में लम्स रह जाते हैं तो आप एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान सकते हैं। और बस ये हमारा क्रेप का बैटर तैयार हो गया है। गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया है और उसको हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब एक लैडल या एक किसी छोटी कटोरी की मदद से हम अपने बैटर को इस तरह से तवे पर फैला देंगे, और उसको इवनली फैलाना है, कहीं पे मोटा या पतला ना रहे, और उसको कुछ सेकंड्स तक टच नहीं करना है। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है। इसमें चूंकि अंडा है और अंडा बहुत जल्दी जल जाता है, बहुत संभाल कर हमें क्रेप्स को पलटना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और टूट सकता है। जब इसमें इस तरह के बबल्स दिखाई देने लगे
तब हमको इसको इस तरह से फ्लिप कर देना है और ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आने तक बस इसको पकाना है दोनों तरफ से। इसी तरह मैंने अपने सारे क्रेप्स बना लिए थे और अब देखिए सारे क्रेप्स बन गए मैंने। अब इसकी बाइंडिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक क्रेप को इस तरह फैलाया और अपनी फिलिंग को एक साइड पर मैं इस पर रख लूँगी। फिलिंग की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखूँगी। आप यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको दोनों तरफ से मोड़ के देखिए इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ के और इसका हमें एक रोल बनाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि चीज़ हमारी मेल्ट होगी तो अगर हमारा अच्छे से रोल नहीं होगा तो चीज़ हमारी बाहर निकल सकती है। और कॉर्नर पे ये देखिए मैंने एक स्लरी बनाई है, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून पानी डालकर गाढ़ी सी लेई बना ली है। इससे मैं इसके किनारों को सील कर दूँगी। ये देखिए हमारे क्रेप बनकर तैयार हैं और इसी तरह मैं अपने सारे क्रेप बना लूँगी, सारे रोल बना लूँगी। अगर आप किसी पार्टी के लिए इस तरह बनाकर रखना चाहते हैं तो इतनी तैयारी अगर आप पहले से करके उसको फ्रिज में रख लें तो इसके बाद बनाना इसको बहुत आसान है। बस 10 से 15 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो किसी पार्टी के लिए या स्टार्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा स्नैक है। और ये देखिए इस तरह मेरे सारे क्रेप्स बनकर तैयार हो गए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा ऑयल लगा दिया है और अब मैं क्रेप्स को इसमें इस तरह रख दूंगी। गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है। आप चाहें तो इन क्रेप्स को शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं और धीमी आंच पर हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसमें हमें कोई चीज़ गलाना नहीं है क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं। बस हमें क्रेप्स की आउटर लेयर को क्रिस्प करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाना है। इस बीच में अंदर की चीज़ इसकी मेल्ट हो जाएगी और बस हमारे क्रेप्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 1 मिनट के बाद मैंने उसकी साइड चेंज कर दी है और अच्छे से गोल्डन स्पॉट्स उस पर आ चुके हैं। इसी तरह मैं साइड बदल बदल कर उनको हर तरफ से सेक लूँगी। ये देखिए हमारे क्रेप्स ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।